Modern Vidya Mandir Public School, Palwal, Class 4, Subject Math, Exercise 5.2. हमारा इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट मीन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. और फर्स्ट पार्ट है हमारा 5 × 10, तो मीन जो हमारे जो नंबर होते हैं जिसमें जीरो होती है ना, तो मीन उसमें क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ उसके पीछे जीरो लगा देते हैं. जो 5 × 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50. सेकेंड पार्ट है हमारा 28 × 10, तो मीन यहाँ पे 10 की 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन 280 आएगा. थर्ड पार्ट है हमारा 57 × 100, मीन यहाँ पे 20 है, तो मीन जो 57 है इसके बाद 20 लगा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5700. फोर्थ पार्ट है हमारा 12 × 100, तो मीन 12 के बाद में 20 लगा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200. फिफ्थ पार्ट है हमारा 34 × 1000, मीन 1000 में 30 होती है, तो मीन यहाँ पे क्या करेंगे, 34 के साथ 30 लगा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 34000. सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 79 × 100, मीन 100 में कितनी 0 होती है, 2. 79 के बाद 20 लगा देंगे तो हमारे आंसर आएगा 7900. सेवन पार्ट है हमारा 20 × 30, तो मीन यहाँ पे 120 में 10 है, 30 में 10, तो मीन यहाँ पे कितनी काउंट हुई हमारे, 20. तो मीन 20 को सेफ रहते हैं, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6. तो हमारा आंसर आएगा 600. एट वाला पार्ट है हमारा 50 × 60, तो क्या करेंगे, 50 और 60 में जो 20 है इसको काउंट करके पीछे रख देंगे, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 30. तो हमारा टोटल आंसर कितना आया, 3000. नाइन वाला पार्ट है हमारा 20 × 100, एक तो 20 की 0 है और एक 100 की, दो मतलब 20 है तो मीन यहाँ पे कितनी 0 काउंट हुई, 3, और 2 हमारा नंबर है, तो यहाँ पे कितना आया, 2000. और हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा 70 × 900, मीन्स यहाँ पे जो हमारी 0 काउंट हो रही है, 3, मीन 70 में भी है और 900 में भी, 3 0 को एक साथ रख देते हैं, 7 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 63. 11th पार्ट है हमारा 60 × 300, मीन 60 की 10, 300 की 20, इन दोनों को एक साथ काउंट कर देते हैं, 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, कितना आंसर आएगा, 18000. 12th क्वेश्चन हमारा 2 × 800, 2 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 बाद में छोड़ देंगे, 2 और 8 की मल्टीप्लाई कितने आएगी, 16. आंसर कितना आया हमारा, 1600. 13th पार्ट है हमारा 400 × 60, तो मीन 400 की 20 और 60 की 10, तो मीन 30 को पीछे रख देते हैं और 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 24000. 14th पार्ट है हमारा 200 × 13, तो मीन 0 को यहाँ पे पीछे रख देते हैं, 30 है हमारी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6. टोटल आंसर आया हमारा 66000. 15th पार्ट है हमारा 800 × 20, 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी 30 है इसको ही नहीं रख देते हैं, तो हम 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 16.